गरीबों के लिए एकनाथ शिंदे ने खोली तिजोरी, फिर मिलेगा आनंद का राशन। 1.63 करोड़ राशन कार्ड धारकों को होगा फायदा। सरकार ने आम गरीबों के लिए फिर से अपनी तिजोरी खोल दी है। शिंदे फडणवीस सरकार ने 100 रुपए वाला राशन के किट यानी आनंद का राशन देने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी राशन दुकानों पर 1 किलो रवा, 1 लीटर पाम तेल, 1 किलो शक्कर और 1 किलो चना दाल का पैकेट केवल 100 रुपए में राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लाभ 1,63,00,000 राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछली दिवाली पर सरकार ने 100 रुपए वाला राशन किट योजना शुरू की थी। इस योजना से संबंधित एक प्रस्ताव बुधवार को शिंदे फडणवीस सरकार ने मंजूर किया है। गुड़ी पड़वा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए वाला राशन किट दिया जाएगा। अगले 1 महीने में सरकार यह गिफ्ट आम जनता को उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार और अंत्योदय खाद्य योजना प्राथमिकता वाले परिवारों और औरंगाबाद एवं अमरावती विभाग के सभी लाभार्थियों के साथ ही नागपुर और वर्धा जैसे किसान आत्महत्या प्रभावित 14 जिलों में राशन का यह किट उपलब्ध कराने जा रही है। इसके अलावा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं केसी राशन कार्ड धारकों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। राशन दुकानों पर रियायती दर में ई पास मशीन के माध्यम से यह किट उपलब्ध होगी। ई पास सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में ऑफलाइन पद्धति से राशन किट वितरित की जाएगी। राशन का यह गिफ्ट पैकेट सरकार ऑनलाइन पोर्टल महाटेंडर्स के माध्यम से खरीदेगी। निविदा प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत 21 दिनों के बजाय अब 15 दिनों के अंदर ही निविदा प्रक्रिया से इस किट की खरीदी हो पाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल 473,58,00,000 रुपये के खर्च करने की मंजूरी दी है। अहमदनगर जिले के अकोले तालुका के किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ की उधर्व प्रवरा परियोजना को गति देने के लिए 5,177.38 करोड़ रुपए के संशोधित खर्च को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 68,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।